जब जब मेरा मन घबराता मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, जब जब मेरा मन घबराता मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, अपनों को नाम सुहाता मैं उन पे बोझ बन जाता, अपनों को नाम सुहाता मैं उन पे बोझ बन जाता। क्या होता है, हाथ उठाकर, पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर बोलोगे क्या होता है? वो आता है श्याम मेरा, आता है आके मुझे गले लगाता है, वो आता है श्याम मेरा, आता है आके मुझे गले लगाता है। हर सुख दुख में मुझको पड़ता ये ही दिखाई, हर सुख दुख में मुझको पड़ता ये ही दिखाई। जब श्याम दिखाई पड़ता है तो क्या होता है? सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन दोनों क्या करते हैं? सुख बढ़ चढ़ साथ निभाता, दुख द्वार खड़ा रह जाता, सुख बढ़ चढ़ साथ निभाता, दुख द्वार खड़ा रह जाता, मेरा श्याम खड़ा मुस्काता, मैं झूम झूम कर गाता, मेरा श्याम खड़ा मुस्काता, मैं झूम झूम कर गाता। ये आता है श्याम मेरा, आता है आके मुझे श्याम प्यारे की। और देखिए हमारे कलकत्ता से जिनको मैक्सिमम क्या बोलते हैं, फेसबुकिया है ना, एक होते हैं क्रिकेट के बुक्की, एक होते हैं पॉलिटिक्स के बुक्की सट्टा लगाने वाले, ये दो बुक्की हमारे बीच में है कलकत्ता ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। फेसबुक के माध्यम से जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के श्याम प्रेमियों को जोड़ा है, एक बार विजय भैया खड़े हो जाएं, विजय शंकर जी मोदी और राजकुमार जी शर्मा एक बार खड़े हो जाएं। इन दोनों श्याम प्रेमियों ने पूरे अखल विश्व के श्याम प्रेमियों को सारी सारी रात साए जगते हैं। जहां से भी कोई कोई भी कीर्तन का मैसेज आता है इनके मोबाइल पर जरूर वो, मेरे को नहीं पता वो किस क्या कहते हैं, शेयर या टैग, क्या बोलते हैं, टैग करते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आज के इस कीर्तन में, विशेष रूप से पधारे हैं। और हमारे राजकुमार जी, विजय भैया भी हमारे कला भवन के ही हैं, मित्र मंडल से हैं, लेकिन इनका प्यार है कला भवन के साथ हैं, और हम सभी सब एक दूसरे मंडल के साथ हैं, ये कलकत्ते की खासियत है। राजकुमार जी शर्मा मेरे अपने श्याम कला भवन से हैं, इनकी विशेष फरमाइश है बाबा का वो पुराना भजन जो रविंद्र जैन साहब ने कभी गाया था, श्याम तेरे कितने नाम में, चार लाइनें उसकी उस भजन की सब मिलकर, और उसके बाद में हाँ आशीष भैया है ना,
एक बार जोरदार ताल, जेएसएस क्रिएशन, जोरदार तालियां बजाकर। जो आप जो मैसेजेस देखते हैं उन, नहीं ये मत दिखाओ, मैं बोल रहा हूं, आप जो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो मैसेजेस आते हैं ना, उसमें तरह तरह की बाबा की तस्वीरें और जो भी क्रिएशन का काम देखते हैं, वो एक छोटा बच्चा दिन भर सोचिए अपना काम भी करता है, एजुकेशन भी करता है, अपने परिवार का पेट भी पालता है और उसके साथ साथ ये क्रिएशन में भी लगा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सारे जो भी श्याम के प्रचार में लगे हैं उनके घर में 12:25 होती है। आइए बस जल्दी से चार लाइनें। श्याम बाबा बोलो बोलो, श्याम बाबा दानी होकर क्यों चुप बैठा, अरे दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दादारी रे, हो श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन बालक जो नारी रे, ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी। ये हाथ उठा लो, ये तालियां बजाकर, ये जय के लिए।